नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओराकोल माउथ अल्सर टैबलेट के बारे में। इसके फ़ायदे, नुकसान, इस्तेमाल करने का तरीका और कितने दिनों तक इस टैबलेट को लेना चाहिए, इन सभी बातों की इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पर टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, ओराकोल टैबलेट आती है स्मार्ट कंपनी की और इसमें फोलिक एसिड है, रिबोफ्लाविन है, निकोटिनामाइड है एंड लैक्टिक एसिड है और लैक्टिक एसिड बेसिलस है, जो कि मुंह के छालों को ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका 4500 रुपये MRP है 15 गोलियों का, लेकिन दोस्तों ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है तो आपको थोड़ा कम प्राइस में भी मिल सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूज़र्स की, किस काम में इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, इसका उपयोग मुंह के छालों को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर किसी को जीभ में छाले हो गए हैं या फिर तालू में छाले हैं या फिर मसूड़ों में छाले हैं और गाल में छाले हो गए हैं या जीभ के ऊपर छाले हैं या फिर किसी चोट वगैरह से छाले बन गए हैं या फिर दांतों के बीच में कई बार अपने गाल की जो चमड़ी आ जाती है उसकी वजह से भी छाले बन जाते हैं, ब्रश वगैरह करते समय भी लग जाता है तो उसमें भी छाले बन जाते हैं, किसी भी प्रकार के छाले हों इस टैबलेट से सही हो जाते हैं। दोस्तों, इसकी जो डोज होती है वो सुबह शाम खाना खाने के बाद बताई जाती है पेशेंट को, लगातार 3 दिन से लेकर 7 दिन तक बताया जा सकता है। जैसी उसकी कंडीशन होगी उसी प्रकार से इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ इसके जो लगाने को ओराकोल जेल भी आती है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए साथ में, जो जिससे क्या होगा कि जल्दी से जल्दी छाले जो है ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इस टैबलेट को आप लगातार इस्तेमाल नहीं करना, जितने दिन आपको डॉक्टर ने बोला है उतने दिन ही इसका उपयोग करना चाहिए। डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इसको लेने से पूरे शरीर में खुजली होने लगती है, दाने निकलते हैं, उल्टी, घबराहट, मतली, चक्कर या पेट में कब्ज़ बनना, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप इसे बंद करके, पहले ही दिन से बंद करके आप इसे डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। धन्यवाद।